हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे अस्तर वाला ब्लाउज। तो ये देखिए, ये अस्तर है, ये मेन फैब्रिक है। तो देखिए मैं इसको कैसे बनाती हूँ। ये ब्लाउज बनेगा 38 इंची सीना का। तो मैं मेन फैब्रिक टाइट करूँगी और ये अस्तर पर मैं कटिंग करूँगी। तो मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसका लंबाई है 13 इंची, इसका सीना है 38 इंची, कमर है इसका 31 इंची, बाजू है 6 इंची लंबाई, 6 इंची गोलाई। तो इस आधार पर मैं कटिंग करूँगी। तो ये देखिए, इसको पहले ऐसे फोल्ड करना होगा। ये देखिए, इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद 38 का एक चौथाई आएगा 9.5 इंच। तो इसको हम यहाँ से देखेंगे 9.5 इंच। ये देखिए, यहाँ आ रहा है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच यहाँ लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ से इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसको ऐसे करके कटिंग कर दूंगी। बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। जिनको नहीं भी आता होगा वो देख के सिलाई सीख सकते हैं, बना सकते हैं एकदम फिटिंग ब्लाउज। तो ये देखिए, ये तो कट गया। अब मैं इसको ऐसे करके खोल दूंगी। खोलने के बाद देखिए, आगे पीछे पल्ला मैं एक साथ ही कटिंग करूंगी। अब इसको मैं ऐसे करके ऐसे, आगे का पल्ला आधा इंची बड़ा रहेगा, पीछे का पल्ला आधा इंची छोटा रहेगा। आगे के पल्ला में ज़्यादा टेकिंग पड़ता है तो थोड़ा बड़ा रखना ठीक रहता है। ये सिलाई होगा तो बराबर हो जाएगा। अगर बड़ा नहीं रखेंगे आगे का पल्ला तो बाद में सिलाई पड़ेगा, टेपिंग पड़ेगा, तो ये कम पड़ जाएगा। तो ये देखिए, गला के लिए मैं 2 इंची पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से यहाँ मैं 3 इंची पर निशान लगाऊंगी ऐसे। अब ये देखिए, इसको बराबर पहले देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल बराबर है। यहाँ से यहाँ मैं 5 इंची काठी के लिए निशान लगाऊंगी। ये देखिए ऐसे। सीना इसका 38 इंची है तो एक चौथाई आएगा 9.5 इंच। तो ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है 9.5 इंच। अब इस निशान को ऐसे करके मिला देंगे। और ये देखिए, ये 2 इंची है सिलाई मार्जिन की। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, ऐसे करके 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस निशान से ऐसे करके मिला देंगे। अब यहाँ से 1 इंची का गोलाई लेंगे काठी के लिए। आगे पीछे पल्ला दोनों बराबर है तो 1 इंची यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे और यहाँ से मैं गोलाई लूँगी। देखिए ऐसे। पीछे का पल्ला 9 इंची पर बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ 9 इंची इसका तैयार रहेगा। तो मैं यहाँ से 9.5 इंची पर लेंगे तो 9 इंची रेडी होगा। यहाँ से ऐसे कर देंगे। और यहाँ से 2 इंची लिए हैं तो यहाँ से 2.25 इंची लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से ऐसे करके मिला देंगे। ये पीछे का पल्ला है। आगे के पल्ला में मैं 6 इंची का आगे का पल्ला है गला, तो मैं 6.5 इंची पर निशान लगाऊंगी। तो 6 इंची पर रेडी हूँ। ये देखिए ऐसे कर। अब मैं इस पर कटिंग करूंगी। अब इसको साइड करूंगी। यहाँ से फिर मैं आगे के पल्ला के लिए गोल गला कटिंग करूंगी। तो ये देखिए, आगे पीछे पल्ला दोनों एक साथ कटिंग हो गया है। तो ये पीछे का पल्ला है तो मैं इसको ऐसे करके दोनों को अलग कर दूंगी। ये देखिए, ये पीछे का पल्ला है
तो थोड़ा सा मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लूंगी, आगे के पल्ला में मैं नहीं निकालूंगी। तो ये देखिए, ये पीछे का पल्ला कंप्लीट हुआ और आगे के पल्ला में मैं इसको गला तो कट ही गया है, काखी के लिए आधा इंची का गहराई दूंगी। मैं तो ऐसे ही दे रही हूँ आधा इंची, अंदाज है मुझे, आपको अंदाज नहीं होगा तो आधा इंची का निशान लगा लीजिएगा, उसके बाद ऐसे करके बुलाई दीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ 9.5 इंची देख लेंगे, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी 9.5 इंची, ये देखिए यहाँ पर निशान लगा हुआ है, तो इसको ऐसे करके डार्क कर देंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे लेंगे, यहाँ 9.5 इंची है तो इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे और यहाँ से एक टेपिंग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ मैं 3 इंची पर, यहाँ से यहाँ पहले बेल्ट पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ 10 इंची, ये देखिए यहाँ पर 10 इंची है, और यहाँ से यहाँ 3 इंची, इधर भी 3 इंची। अब यहाँ से यहाँ 4.5 इंची, अब इसको यहाँ से यहाँ ऐसे करके बीच का सेंटर निकाल के लगा देंगे निशान। अब यहाँ से भी यहाँ ऐसे और इसको ऐसे, ये देखिए ये कितना आसान तरीका से बन गया, और ऐसे करके इसको टेकिंग का सही निशान लगा दिया, ये देखिए ये हुआ। अब इधर से मैं इसका सेम निशान लगाने के लिए मैं यहाँ से इसको ऐसे करके बना दूंगी, और इधर भी ऐसे करके बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद इधर भी निशान टूट जाएगा, ये देखिए ऐसे, देखिए हल्का हल्का हो गया है, इसी पर मैं डार्क कर दूंगी। इसको मैं अभी कटिंग नहीं करूंगी, इसको मैं अस्तर पर पहले मेन फैब्रिक पर बिछा दूंगी, उसके बाद मैं कटिंग करूंगी। यहाँ से यहाँ काफी के लिए निशान लगाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर 9 इंची आ रहा है बाजू का गोलाई, तो इसको ये आगे का पल्ला हो गया है, तो मैं इसको टाइट करूंगी और बाजू के लिए मैं तैयार करूंगी। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये रहा बाजू, तो बाजू को मैं ऐसे करके देखेंगे, अब यहाँ से यहाँ 6 इंची का निशान लगाएंगे ऐसे करके, और यहाँ से यहाँ 6 इंची, और इसका गुलाई देंगे 3 इंची। तो ये देखिए कपड़ा कम पड़ रहा है, तो इसमें हम जोड़ लगाएंगे, तो यहाँ से मैं कपड़ा जोड़ देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसको मैं साइड करती हूँ, पहले मैं सीधा कपड़ा देखकर इसमें जोड़ने के लिए रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए ये कपड़ा हम ऐसे करके जोड़ देंगे, तो ये थोड़ा लंबाई बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसको मैं गला बनाऊंगी, तो ये देखिए गला से निकला है, तो यही पट्टी मुझे गला में इस्तेमाल करना होगा, तो यहाँ से इसको ऐसे तिरछी पट्टी काटना होगा और 1.25 इंची का कपड़ा चौड़ाई रहेगा, लंबाई फुल रहेगा, और इसको भी मैं जोड़ती गला के लिए बनाएंगे, तो ये गला बहुत फिनिशिंग से बैठता है, बहुत अच्छा बनता है। Let me go, there's no doubt, gotta get out of this small town.
तो ये देखिए गला के लिए बन गया है, तो इसको मैं साइड कर दूँ। अब ये लगाएंगे हम आगे पीछे पट्टी, ये कट पट्टी बनेगा हुक लगाने के लिए, और ये आई बनाने के लिए लगेगा। तो ये हो चुका है। अब मैं इसको बाजू के लिए कपड़े इसमें ये यहाँ पर ज्वाइंट लगा दिया है, जोर लगा दिया है, तो ये कपड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे करके फोल्ड करूँगी और इसको यहाँ से ऐसे करके बराबर देख लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करके फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो इसको ऐसे कर देंगे। अब मैं मुझे यहाँ से 6 इंची का बाजू बनाएंगे, तो ये 5 इंची तैयार होगा। तो यहाँ से यहाँ मैं 6 इंची का निशान लगाएंगे और यहाँ भी 6 इंची, और यहाँ से यहाँ मैं 3 इंची पर निशान लगाऊंगी। अब इस निशान को यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए ये 9 इंची 9.5 इंची आ जा रहा है। इसको मैं ऐसे करके गुलाई दूंगी, ये देखिए कितना आसानी से बन गया। बाजू का गुलाई 6 इंची है, तो यहाँ से ऐसे देख लेंगे और यहाँ से ऐसे करके ये देखिए ऐसे होगा। तो यहाँ से मैं ये देखिए इसको ऐसे करके खोल देंगे। खोलने के बाद आगे के पल्ला में आगे जो बाजू आएगा उसमें मैं 1/2 इंची का गहराई दूंगी। तो ये देखिए बाजू ये कंप्लीट हो गया। अब इसको ऐसे करके लेना है और यहाँ एक गुस्सा लगा देना होगा, ये पता चले गुस्सा सेंटर है, और इधर भी लगा देना होगा ताकि ये पता चले कि ये आगे की तरफ ही आएगा। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब मैं ये सबको साइड करूंगी और ये देखिए ये मेन फैब्रिक है, इसको मैं जोड़ूंगी। तो ये देखिए इसको ऐसे करके खोलना है, ये सीधा पल्ला जो है तो पीछे रहेगा, आगे में रहेगा उल्टा, ऊपर उल्टा रहेगा और पीछे सीधा रहेगा। तो इसको मैं ऐसे करके सीधा कर दूंगी। करने के बाद पल्ला मैं इधर से घिसाऊंगी। पल्ला में इधर ऐसे करके बिछाएंगे। ये देखिए ऐसे बिछाने के बाद मैं इस पर ट्विस्ट कर दूंगी। तो ये देखिए हमने कैसे बिछाया है, देख सकते हैं बाजू के लिए है, आगे पीछे है, और ये है मोटा मोटा सुई धागे से सिलाई कर देंगे ताकि ये कपड़ा चिपक जाए। चिपकने के बाद मैं इसको कटिंग कर दूंगी। तो ये देखिए ये मैंने पूरा सिल लिया है मोटा मोटा। अब मैं इस पर ऐसे ही करके कटिंग करके निकाल दूंगी। ये देखिए बाजू का निकल गया। Thank you.
देखिए ऐसे ही करके ये पूरा बाजू कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए एक पल्ला ये है और एक पल्ला ये है, ये दोनों बाजू के लिए है। और ये देखिए ये आगे का पल्ला है इस तरह से, और ये देखिए ये पीछे का है, कितना आसान तरीका से कर चुका है। और एक भी कहीं भी कुछ भी सिल्वर उल्वर नहीं है, और ये ऐसे करके सिलने में भी बहुत आराम मिलता है, आसान होता है और झट झट करके सिला जाता है। तो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई, आप ही ऐसे करके सिलें ताकि ये सिलाई के लिए अच्छा होगा। थैंक यू।